दोस्तों आप सभी के लिए खुशखबरी है, ना ही आपको अस्पताल जाना पड़ेगा ना ही सर्जरी के लिए जाना पड़ेगा। अपने घर बैठकर आप बड़े से बड़े बीमारियों का इलाज एक्यूप्रेशर, होम आयुर्वेदा एवं एक्सरसाइज से आप कर सकेंगे। डॉक्टर दरबेश जी ने 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद 51 बीमारियों के साथ 26 घंटे की होम ट्रीटमेंट एवं ट्रेनिंग आठ DVDs एवं 64 GB का पेन ड्राइव के माध्यम से ऑनलाइन Amazon पर खरीदने के लिए उपलब्ध है। माई हेल्थ इन माई हैंड इंग्लिश एवं हिंदी किताब 51 तथा 101 बीमारियों के इलाज के साथ ऑनलाइन Amazon पे उपलब्ध है। दोस्तों अब आप बिना दवाई के, बिना अस्पताल जाए, घर बैठे अपना इलाज खुद करिए। डायरेक्टली किताब, DVDs तथा पेन ड्राइव पाने के लिए व्हाट्सएप करें इस नंबर पे 8826676303। धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रीडम फ्रॉम हॉस्पिटल डॉक्टर दरबेश की एक नायाब देन है, जिसके माध्यम से वो चाहते हैं कि लोगों को हॉस्पिटल जाने की जरूरत ना ही पड़े और वो घर पर ही उस बीमारी से निजात पा लें। अगर आप भी घर बैठे डॉक्टर दरबेश के बताए नुस्खों से लाभ उठाना चाहते हैं, स्वस्थ और सेहतमंद रहना चाहते हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखें। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, हमारे वीडियो को सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों मैं डॉक्टर दरबेश आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल फ्रीडम फ्रॉम हॉस्पिटल में। हम में से कभी भी कोई जाना नहीं चाहता अस्पताल, ना वो दवाई खाना चाहता है, मगर ये हम लोग इतना ज़्यादा एडिक्टेड हो चुके हैं मेडिसिन के साथ कि हम हर एक चीज़ में दवाई खाते हैं और हमारी हर एक चीज़ की ज़रूरत हम दवाई से ही पूरा करते हैं। दोस्तों अगर एक बार आप समझ जाओगे अपने किचन को, नेचुरल चीज़ों को, तो दोस्तों आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। खास करके ठंडे के सीजन में, आपका बारिश के मौसम में, अगर आपको सोर थ्रोट होता है, आपको कोल्ड कफ होता है, आपको बार बार फीवर होता है, उससे आप बचने के लिए दोस्तों आज मैं आपको 2 टिप्स देता हूं। पहला जो टिप्स है दोस्तों वो है कि आप जो सोर थ्रोट से परेशान रहते हो, गले के अंदर पूरा लालपन आ जाता है, सूजन हो जाती है, उससे फीवर होती है, उससे बचने के लिए दोस्तों आपको हर रोज मॉर्निंग में एक बारी और इवनिंग में एक बारी आपको करनी है। करना क्या, छोटा सा काम है दोस्तों, 1.5 ग्लास पानी को आपको उबालनी है, उसमें आपको बड़ी इलायची जो होती है ब्लैक कलर की, उस इलायची 1 आप इस्तेमाल करिए, दालचीनी का 1 टुकड़ा आप इस्तेमाल कर सकते हो, उसके साथ साथ दोस्तों अदरक का 1 टुकड़ा, यानी तीनों चीज़ को अच्छे से मिला के कूट के उसमें डाल दें पानी में। जब वो अच्छे से उबल जाए तो पानी को छान लें, छान के उससे आपको गार्गलिंग करनी है दोस्तों। यानि आपको एक बारी रिपीट करता हूँ, आपका बड़ी इलायची हो गई, उसके साथ साथ आपकी दालचीनी हो गई और आपका अदरक हो गया, इसको अच्छे से कूट लें, 1.5 ग्लास पानी में डाल लें और जब अच्छे से उबल जाए तो उसको छान लें, छान के फिर आप इससे गार्गलिंग करिए, इससे कुली करिए, आपकी पायरिया की जो शिकायत है वो ठीक हो जाएगी, आपकी मसोड़ा से अगर खून निकल रही वो ठीक हो जाएगी, दांत आपकी मजबूत हो जाएगी, सोर थ्रोट आपको ठीक हो जाएगी, कोल्ड कफ आपकी ख़त्म हो जाएगी, आपका जो फीवर बार बार आता है सीजनल फीवर वो ठीक हो जाएगा, उसके साथ साथ आपको एक ताजगी महसूस होगी दोस्तों, आप एनर्जेटिक महसूस करोगे और आपका पेट जिनका ख़राब होता है वो भी दोस्तों ठीक हो जाए, क्योंकि अगर जो मुंह के जो आपका जर्म है वो ख़त्म हो जाएंगे तो पेट तक जाएंगे नहीं, तो आपका पेट के अंदर की समस्या भी दोस्तों ठीक हो जाएगी। तो ये लाभ को दोस्तों उठाइए और जो मैं काढ़ा बताता हूँ वो काढ़ा आप पियो, इसके साथ साथ आप सीजनली जो बीमारी आती है उसको आप रोकिए, जो बड़े से बड़े वायरस है वो भी आप तक पहुंच नहीं पाएंगे, क्योंकि थ्रोट तक पहुंचेंगे तभी वो आपके लंग्स तक आएंगे, उसको आप रोक सकते हो, चाहे वो आपका कोई वायरस होना क्यों। इसके साथ साथ जो सीजन में आपका डेंगू वगैरह जो बीमारी आती है उससे जो फीवर होती है उसको भी आप रोक सकते हो, चिकनगुनिया को रोक सकते हो, ये सारे चीज़ों को दोस्तों रोकने के लिए आप इसका प्रयोग करिए और जो काढ़ा बताए हूँ उसको आप दिन में कम से कम 1 बार पियो तो दोस्तों आपको जबरदस्त लाभ होने वाली है। काली मिर्च और नींबू वाली काढ़ा, तो काली मिर्च और नींबू वाली काढ़ा दोस्तों कैसे बनाओगे, 1 चम्मच काली मिर्च और 4 चम्मच नींबू का रस 1 कप पानी में मिलाकर गर्म करें और इसे रोज सुबह
आप पी सकते हो पूरे परिवार के साथ। इसको कैसे, जो आपका कॉप है, ये कॉप कम से कम दोस्तों 400 ml तक का आप ले सकते हो, जिसमें मान के चलिए कि काली मिर्च आप एक चम्मच अगर ले रहे हो छोटे चम्मच में, तो फिर चार चम्मच नींबू का रस होना चाहिए। तो इसको आप चार जन दोस्तों आराम से घर में पी सकते हो, और इसे रोज सुबह पीनी चाहिए। इसके ठंडा होने पर शहद भी डालकर पिया जा सकता है। इस काढ़े से सर्दी जुखाम में आराम मिलती है और शरीर में अवांछित वसा जो है उसकी भी दोस्तों कमी होती है, शरीर में ताजगी और स्फूर्ति भी महसूस होता है। दोस्तों इस बात को मैं एक बार रिपीट करके आपको समझा रहा हूँ, आप कम से कम 400 ml यानी एक बड़ा कप पानी आप लिए, जिसमें आप एक चम्मच काली मिर्च का पाउडर, उसके साथ साथ चार चम्मच नींबू रस मिला के पानी में गर्म करें, और इसे रोज सुबह कम से कम चार जन के लिए, जो मैं अभी खुराक कह रहा हूँ आपको, काढ़ा कह रहा हूँ, ये चार जन के लिए, यानी घर में अगर दो बच्चे हैं जो 8-10 साल के हैं और दो हस्बैंड है भी, इनके लिए मैं बता रहा हूँ। तो इस तरीके से छोटे छोटे कॉप में आपको एक एक कॉप आपस में बांट के आप इसको पी सकते हो। अजवाइन और गुड़ का काढ़ा भी दोस्तों बना सकते हो। एक गिलास पानी को अच्छी तरह से उबाल लें, जब पानी अच्छी तरह से उबलने लगे तो इसमें थोड़ा सा गुड़ और आधा चम्मच अजवाइन मिला लें। जब पानी आधा हो जाए तो इसे छान कर पिएं। अजवाइन पाचन क्रिया को ठीक करता है और इसके साथ साथ अपच जैसे समस्या भी इससे दूर हो जाती है। इस काढ़े को पीने से खांसी और पेट दर्द की समस्या दोस्तों ठीक हो जाता है। जीवन में आप अच्छा काम जरूर करनी चाहिए, पौधा अगर हो सके आप जरूर लगाओ, किसी दुखियारी का दुख दर्द दूर करो, इससे आपको मन की शांति मिलेगी और आप अच्छे कर्म के साथ जुड़े रहोगे तो आप अपने आप को प्रफुल्लित और आनंदित भी दोस्तों महसूस करोगे। इससे आपके ऑर्गन्स और ग्लैंड्स बेहतर काम करेंगे, स्पिरिचुअलिटी डेवलप होगी, जिससे आपको फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ मिलेगा। दोस्तों इसी बात के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।